এবং আজকে দ্বিতীয় দিনে মাতাবাড়ি দর্শন করার পর উনি আপনাদের সম্বোধন করার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় রাজ্য সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় প্রভারী আদরণীয় বিনোদ শঙ্করজি, রয়েছেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয় এবং মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমি প্রেস মিডিয়ার বাইরে যদি কেউ থেকে থাকেন অনুগ্রহ করে হল ছেড়ে দেবেন। আমি অনুরোধ জানাব মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি মহোদয়কে উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করবেন। নমস্কার হামারে সভি वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मंच पर उपस्थित हमारे त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विप्लव दा जी, हमारे जिष्णु जी, विनोद सोनकर जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आज जब मैं यहाँ अगरतला में त्रिपुरा की पवित्र धरती पर आया हूँ तो ऐसे समय पर आया हूँ जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अमृत काल में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और यह समय त्रिपुरा के भी 50 साल के स्टेटहुड के साथ मेल खाता हुआ समय है। तो ऐसे समय पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है जहाँ 4 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, वहीं 35 साल की छाया भी सीपीएम की सरकार की हमको देखने को मिलती है और वह छाया जो 35 साल की सरकार ने कुछ भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए नहीं किया, वहीं ट्राइबल्स को इग्नोर किया और यूथ को एक्सप्लॉइट किया, ऐसी परिस्थिति के पश्चात हम जब सीपीएम की सरकार को देखते हैं तो कम्युनिस्ट रिजीम ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, इंसर्जेंसी चरम सीमा पर थी, बंद और ब्लॉकेड वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे, ड्रग स्मगलिंग वॉज द थ्राइविंग बिजनेस हियर, करप्शन वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे and caste tensions were created. All this I am saying only to make you remember the dark days so that you remember the good bright days also. जब हम ये बात कहते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब यहां पर विप्लव जी के नेतृत्व में सरकार आई और जिसको आगे चल करके मानिक शाह जी ने संभाला, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां पर हुआ और अष्ट लक्ष्मी स्वरूप त्रिपुरा का उदय हुआ है। जब मैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कहता हूं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से हो रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने पेस पकड़ा है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित किया गया है और टूरिज्म को फोकस में ला करके खड़ा किया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें
तो सिर्फ स्टेट कनेक्टिविटी ही नहीं, नेशनल कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के तरफ एक लंबी छलांग त्रिपुरा स्टेट ने लगाई है। फिर चाहे हम कहें गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मैत्री सेतु कनेक्टिंग बांग्लादेश और इंडो बांग्लादेश रेलवे कनेक्टिविटी। इसलिए मैंने कहा कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इंटरनेशनल गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और मैत्री सेतु बांग्लादेश इंडो बांग्ला रेलवेज को भी प्रोत्साहित किया है। जहां तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल है, लेटर और स्पिरिट में इसको किया गया है। 33% ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, देर इज ए इंक्रीज ऑफ 7 times इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंड 7 times व्हेन आई से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मतलब है कि सरकार के प्रोत्साहन के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खड़ा किया गया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बायबैक करना, मार्केटिंग की फैसिलिटी देना, ब्रांडिंग करना, उनको आगे लाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनका अपग्रेडेशन करना, उनको अपडेशन करना, ये सारी चीजों के साथ हमारी त्रिपुरा की सरकार जुड़ी रही है। उसी तरीके से त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के तहत एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है और जिसके माध्यम से हम यहां के हुनर को, हम यहां के टैलेंट को, आई विल नॉट यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट बट यूटिलाइज करने का काम किया है। उसी तरीके से नेशनल फोरेंसिक साइंस सेंटर कैंपस बनना और 200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करना, यह डबल इंजन की सरकार का हमको नतीजा देखने को मिलता है। अगर लैंड आपने दी, जगह आपने दी, आपने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो नेशनल फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी खड़ा किया गया। उसी तरीके से मैं तो अगरतला पहले भी आया था, कल भी मैं लैंड किया, मेरे को वो नई टर्मिनल, वो हमारे को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नेशनल टर्मिनल देखने का मौका मिला। ये सिर्फ टर्मिनल ही नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीमिंग करने का रास्ता है। 450 करोड़ रुपीस के खर्चे से अब पहले आता था तो एक छोटी सी टूटी सी बिल्डिंग देखने को मिलती थी, आज वो इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट के रूप में, एंड वेरी सून वी आर इट विल बिकम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस तरफ अग्रसर हुए हैं। जो समझने वाली बात है और आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम 30% त्रिपुरा का बढ़ा है और 1,30,000 पर एनम पर पर्सन हमारा पर कैपिटा इनकम बनी है, 1,30,000 पर एनम पर पर्सन। जब हम इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दीज आर दी इंडिकेटर्स विच शो, ये है सूचकांक जो बताते हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा का आर्थिक विकास हो रहा है। उसी तरीके से जो बजट था वह 12,700 करोड़ था, 600 करोड़ था, जो आज 27,000 करोड़ रुपए हो गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको सेटअप किया जा रहा है। नाउ त्रिपुरा इज एक्सपोर्टिंग जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, लेमन, सुगंधी नींबू, जिंजर, अदरक, एंड इट इज ब्रांडिंग ऑल्सो। अब लोग बोलते हैं कि ये मैं त्रिपुरा का अनानास लेके आया हूं, पाइनएप्पल लेकर के आया हूं, यह अदरक लेकर के आया हूं, यानी किस तरीके से यहां के प्रोडक्ट्स का, एग्रिक प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हुई है, ब्रांडिंग हुई है, वह भी हमको समझना चाहिए। जहां तक ट्राइबल डेवलपमेंट का सवाल है, अभी भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से
1300 करोड़ रुपए का ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की है और उसका मुख्य उद्देश्य है कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट होगी और उनकी लाइवलीहुड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर काम चल रहा है। और मैं ट्राइबल्स की अगर बात करूं तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं हर एक भारतवासी के लिए भी और हमारे आदिवासी भाई के लिए भी फख्र की बात है कि आज भारत के प्रथम पोजीशन पर ट्राइबल आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। यह एनडीए सरकार आदरणीय मोदी जी की आजादी के पश्चात प्रथम आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होना, यह आदिवासी को सम्मान और देश के मेन स्ट्रीमिंग में मुख्य धारा में आदिवासी भाइयों को सम्मान देने के बराबर है। उसको भी हमको समझना है और उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है वह आज डबल हो गई है फ्रॉम 6,500 पर मंथ, इट इज नाउ 11,000 पर मंथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरीज आर 2.5 लाख पीपल एंड फंड्स हैव बीन डिस्पर्स टू द ट्यून ऑफ 425 करोड़। उसी तरीके से जो पैडी की रिकॉर्ड खेत परचेजिंग हुई है एमएसपी में, वह 1,30,000 मेट्रिक टन यहां से पैडी को खरीदा गया है और 243 करोड़ एमएसपी का बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचाया गया है। इरिगेशन की जो लैंड है वह उसमें वह इंक्रीज होकर के अब 65,000 हेक्टेयर्स पहुंच गई है। 2.5 लाख पीपल को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा गया है। यहां मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं लंबे समय से एमएलए रहा हूं और जब मैं शुरू में 93 में एमएलए बना था तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी, तो हमारा बीडीओ हमको आके समझाता था कि एक पंचायत से एक घर बताओ। दैट वॉज दी स्पीड, दैट वॉज दी एक पंचायत से एक घर बताओ। तो हम ऐसे, मेरी 22 पंचायतें थी तो मैं 22 घर बताता था और अपनी पीठ को थापी देता था कि मैंने इंदिरा आवास योजना में 22 घर दिलाए। आज मैं यहां आपसे जब बात कर रहा हूं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, वी बिलीव इन स्पीड स्केल एंड स्किल, तो ये स्पीड है और ये स्केल है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवेज, पहले एक नेशनल हाईवे था, आज 6 नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है और 7,000 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट। 542 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। उसी तरीके से लैंडलेस लेबरर्स इन टी गार्डन्स, उनको फैसिलिटेट करने के लिए 85 करोड़। और ओनरशिप ऑफ द लैंड, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने लैंडलेस लेबर्स को जो टी गार्डन्स में काम करते थे उनको ओनरशिप ऑफ द लैंड दिया। और पैकेज में जो 85 करोड़ खर्च हो रहा है वो शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य हेल्थ में, हाउसिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं इसलिए मैं यहां आकर के मुझे कहने का बड़ा मन हो रहा है। एक समय में आप यहां से, दिस वॉज ए रेफरल हॉस्पिटल, यहां से आप रेफर करते थे गुवाहाटी, यहां से आप रेफर करते थे कोलकाता। आज त्रिपुरा इज नॉट ए लैंड ऑफ रेफरल हॉस्पिटल, इट इज अ प्लेस वेर यू आर हैविंग नी सर्जरी, कार्डियोथोरसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी
oncology surgery, hip surgery, all types of surgeries are being done. This is because at the right time by Narendra Modi ji, and I was the health minister when I gave the super specialty block, and 7 super specialties were established, 120 crores were spent, 30 crores were given by the state government, and now it is in existence. Ye bhi humko dhyan mein rakhna hai. Isi tarike se hamare bahut se purane jo issues the, jaise shanti ke liye, peace. हमने कहा ना, एक देयर वॉज अ टाइम व्हेन टेररिज्म इंसर्जेंसी बंद एंड ब्लॉकेड. टुडे एनएलएफटी के साथ हमारा समझौता, अकॉर्ड, सरेंडरिंग ऑफ आर्म्स, उनका आत्मसमर्पण करना, उन यूथ को मेन स्ट्रीमिंग करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में ला करके उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना, फैसिलिटेट करना, ये ब्रू रियांग का माइग्रेंट अकॉर्ड. 37,000 माइग्रेंट्स, 37,000 जो पलायन कर गए थे, उनको 23 साल बाद सेटलमेंट करने का मौका, और शांतिप्रिय ढंग से किया गया है, त्रिपुरा की जनता के साथ सहमति के साथ किया गया है. राजनीतिक हिंसा रुक गई है, पॉलिटिकल वायलेंस हैज स्टॉप्ड. नहीं तो मुझे याद है कि डे इन एंड डे आउट वी यूज टू हियर इंसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, लिक्विडेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सरीज, फिजिकल लिक्विडेशन. आज हम सरकार में बैठे हैं और जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि शांति का वातावरण ला करके और पॉलिटिकल वायलेंस को हमने रोका है. रेप, डेकॉयटी, एक्सटॉर्शन, एबडक्शन, अपहरण कर लेना, एक्सटॉर्शन करना, डेकॉयटी करना, रेप, ये घटनाएं घटी हैं और तीव्र गति से घटी है. उसी तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है और प्रदेश अब मेन स्ट्रीमिंग में आगे बढ़ रहा है. मुझे खुशी है कि 100% कोविड वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज इज ऑन, एंड 45+100% वैक्सीनेशन हो गया है. मैं यहां भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, फिर क्योंकि स्वास्थ्य में रहा हूं, ट्राइबल इलाके में, पहाड़ी इलाके में एक वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वहां पहुंचाना, लोगों को लगाना, एक वॉयल से 10-10 लोगों को लगाना, 8-8 लोगों को लगाना, ये बहुत मिटिकुलस प्लानिंग की आवश्यकता होती है. आई सैल्यूट दी हेल्थ वर्कर्स, आई सैल्यूट दी फ्रंटलाइन वर्कर्स, आई सैल्यूट दी हेड डिपार्टमेंट जिन्होंने इस काम को किया है. और उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगभग 25 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये पिछले 2020 के मार्च से दिया जा रहा है. और आपको मालूम है कि जब भुखमरी आई थी, जब महामारी आई थी 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन राइट फ्रॉम मार्च 2020, 5 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ व्हीट एंड 1 किलो ऑफ दाल. इस तरीके से काम किया गया, पल्सेस पहुंचाए गए. मुझे इस बात की भी खुशी है कि अर्बन लोकल बॉडीज में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है. 98.5% सीट्स आउट ऑफ 334 सीट्स, 330 सीट्स हैव बीन वन बाय भारतीय जनता पार्टी. उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में 100% विक्ट्री, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज आर वन बाय भारतीय जनता पार्टी. इसलिए मैं त्रिपुरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्र में, प्रदेश में,
जहां आपने दोनों लोकसभा की सीट जिताई, जहां आपने विधानसभा में हमको बैठाया, जहां आपने हमको लोकल बॉडीज में बैठाया, उसके लिए त्रिपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, डबल एनर्जी के साथ, एक इंजन ग्रोथ के साथ त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात को लेकर के हम चले हैं। मित्रों, मैं कल से यहां आया हूं। मैंने यहां सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक की है, फिर उसके बाद मैंने MLAs और मिनिस्टर्स की बैठक की है, उनसे मैं मिला हूं। फिर उसके बाद मैंने ट्राइबल के हमारे MLAs और ट्राइबल के हमारे MDC के सदस्य, उनके साथ मुलाकात की है। फिर हमारे अलायंस पार्टनर IPFT के साथ मुलाकात की है, और फिर हमने कोर कमेटी के साथ मुलाकात की है। सभी लोगों के साथ मिलकर डिटेल में चर्चा करके मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से फिर से त्रिपुरा की जनता आशीर्वाद देगी, और हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में त्रिपुरा को शांति विकास के समर्थन के साथ साथ एक त्रिपुरा का उज्जवल भविष्य हम देखते हैं, और उसको साकार करने में हम और हमारी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, मैंने आपको अपने तरफ से त्रिपुरा के बारे में कुछ विषयों की जानकारी दी है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। You have raised the issue of political violence. That is the main allegation on the part of the opposition, that political violence continues in the state. And why is ADC as your next venue for addressing here? Is it the tribal people which is the main concern? No, our concern is for every sections of the society. And I'm not going to come only once. I'm going to come many times. And each time I am going to address some section of the society. I start with the tribals. सर नमस्कार, मैं नीरज कुमार डीडी न्यूज दिल्ली से आया हूँ, और पूरे देश में सर इस बात के जिक्र हो रही है कि BJP सरकार अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है, और इसका एक संदेश पूरे देश में जा रहा है। आप इस सवाल से कितना सर इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तो ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों, ये बताओ ना आप, why are you diverting from it? नंबर वन। नंबर टू, ये कानून का देश है, कानून में प्रावधान है, आप उसका उपयोग कीजिए। और ये कोई BJP करती है, ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जो इन्होंने प्रश्न किया है। और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं, तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। और आपको रिक्लूज लेना है तो कानून की व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग करो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले काम कर रही है, और सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मुख्य धारा में ला करके काम कर रही है। हम समय समय पर इस तरह के इश्यूज आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं। सर एक बात, मैं जौनपुर में डीडी हूँ, तो इधर ADC लेके ADC की प्रमुख ग्रेटर की प्रलय का स्लोगन देते हैं,
बीजेपी गिरिधर तिवारी इनको सपोर्ट किए करते हैं बार-बार बोलता है, तो एडीसी का डायरेक्ट फंडिंग के लिए इसका स्लोगन है, डायरेक्ट फंडिंग के लिए दावी कर रहा है, तो इसमें एडीसी को डायरेक्ट फंडिंग करने का विषय में क्या सोच? देखिए, संविधान के दायरे में सबको विकास करें और संविधान के दायरे में सबको स्थान मिले, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इस सोच के दायरे में सबका विकास करना, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, यह हमारा स्लोगन है और यही हमारा ध्येय वाक्य है। दूसरे स्टेटों में जैसे आप लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं, इतना सीटों में आप लोग जीतेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में भी किया था, त्रिपुरा में ऐसा कुछ टारगेट किए हैं? 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, फुल फ्लेज्ड तरीके से आएंगे, ढंग से काम करेंगे। तो जैसे कि मनीषा फ्रॉम कलकत्ता न्यूज नेटवर्क, जैसे कि आप बोल रहे थे कि बीजेपी अकेले काम करने में विश्वास करते हैं, 2018 में आईपीपी का सब अलायंस हुआ था। अकेले मतलब पहले हम अपने आप को मजबूत करते हैं, दूसरी बात यह है कोई साथ आए हमारे नियमों से तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो चल रहा है ना, आगे चलेगा, वन वे नहीं होता ना, उनको भी तय करना है। ऐसा होता है, हर एक कोई अपने अपने ढंग से काम करता है, कहीं सफलता मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। सर एक सवाल यहाँ से है, पहले भाइयों से अब दाइयों से। मैं ऑन द लाइटर साइड। हाँ बोलिए सर, अगर हम पानी की बात करें, पानी की योजनाओं कहाँ तक पहुँची है, आवास की योजनाएं कहाँ तक पहुँची है, गैस कनेक्शन योजना कहाँ तक पहुँची है, और जो मैंने राज्यों का दौरा किया और 3-4 जगह का भ्रमण किया, उस भ्रमण में पाया कि 35 साल के बाद बीजेपी की जो सरकार यहाँ सत्ता में आई, उनके जो वायदे थे वो वायदे को पूरी तरीके से धरातल पर लाने में कामयाब नहीं हुई। ऐसा है, आपकी आशाएं किससे हैं? मेरे से ही है ना, तो उसको पूरा हम ही कर रहे हैं। कदम किसने उठाया? हम ही ने उठाया। ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए ये गलत है क्या? और टारगेट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, उसको पूरा करना हमारा काम है, इसीलिए तो हम आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि विजन डॉक्यूमेंट के पूर्ण टारगेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। नड्डा जी, बंगाल में टीएमसी का लीडर मिनिस्टर और एमएलए को देख रहा है, ईडी और सीबीआई के रेड में है, इस सिचुएशन में अगले साल पंचायत इलेक्शन होगा बंगाल में, क्या बीजेपी का एडवांटेज होगा? और दूसरा सवाल, इस सिचुएशन में अगर कोई टीएमसी लीडर बीजेपी आना चाहते हैं तो बीजेपी लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल के अंदर अपना वोट परसेंटेज 3% से बढ़ाकर 38% तक पहुंचा है, विच इज अ रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ द सपोर्ट बीइंग गिवन टू पीपल बाय पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल टू भारतीय जनता पार्टी। एवरीबडी नोज, इवन यू ऑल्सो नो दैट आफ्टर पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हैज टेकन प्लेस, और यह टीएमसी के गूंज के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है। सारे नियमों को ताक पर रखा गया है और कांग्रेस एंड सीपीएम ये मेयर स्पेक्टेटर्स रहे हैं, ये मूक दर्शक रहे हैं। वहां की ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के जो एंटी पीपल पॉलिसी है, जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो विमेन एट्रोसिटी है, जो यूथ का को धोखा दिया है, इन सारी चीजों को बारंबार रखना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। लाभ कितना होता है ये वेस्ट बंगाल की जनता तय करेगी, लेकिन वी आर द स्पोक्समैन ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वी आर द पीपल हु बिलीव इन गुड गवर्नेंस, वी बिलीव द रूल ऑफ लॉ, we believe that development should take place. One feels ashamed. What is the condition of health? What is the condition of education? What is the condition of
ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ देयर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वेस्ट बंगाल सबसे आगे, शर्म नहीं आती। एक लेडी चीफ मिनिस्टर बैठी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, महिलाओं का की इज्जत तार तार हो रही है। इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और वेस्ट बंगाल की जनता हमारा साथ देगी। 3 साल में अगर हम 38% पहुंचा सकते हैं तो 5 साल में हम 40+ जाएंगे, आगे जाएंगे। ऐसा ये तो आप कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उस पर तय होता है, क्यों आ रहा है उस पर तय होता है। इट इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग ऑन त्रिपुरा? कहाँ, क्या बताए ना कोई केस? कोई केस तो बताए। ये तो ऐसा है बिना मार के हाय 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 हाय, व्हाट इज दिस? ये तो ऐसे हैं कि चोरी भी करते हैं और फिर चोर 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 हल्ला भी करते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। और इनसे लड़ने वाली बीजेपी है, याद रखिएगा। थैंक यू सबई के, धन्यवाद।